दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप इस स्टॉक में पहले से होल्ड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों कल जो मार्केट था उसमें आपने देखा बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कल ही क्यों बल्कि दो तीन दिन से हम देख रहे हैं मार्केट में लगातार गिरावट, और अभी आगे आने वाले एक दो दिन और भी हमें गिरावट ही देखने के लिए मिल सकती है। जो विक्स है इंडिया का वो 11% तक उछल चुका है, जिसके कारण मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेक्टर टूट रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो एक्सिस बैंक में क्या करें, एक्सिस बैंक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1130 रुपये से 1140 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, अगर आप पहले से स्टॉक हो तो उस लेवल पर आने के बाद आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं और एडिशनल ऐड करके चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो यहीं से अपना कैपिटल लगाकर लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। जो आपके टारगेट्स रहने वाले हैं वो सारे भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टीम आपके लिए लेकर आती है वैल्यूएबल स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जो नियर टू बॉटम होते हैं, जहाँ से पिक करके आप खोने के लिए वहाँ पर आपके पास कुछ होता नहीं, लेकिन पाने के लिए टारगेट्स आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं टारगेट्स की। पहला टारगेट जो आपको इस स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा वो है 1225 रुपये का। जब इस टारगेट पर स्टॉक पहुंच जाएगा उसी समय एक फ्रेश रिव्यू किया जाएगा कि अभी आप इस स्टॉक को बेच के निकल जाएं, या फिर मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगी वो ये है दोस्तों कि स्टॉक ने ना दो जगह पर बड़ा बड़ा गैप छोड़ दिया है। पहला गैप जो मैंने आपको बताया 1225 आने के बाद में फिल हो जाएगा, और दूसरा गैप 1260 अगर आप पकड़ लें स्टॉक में तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा टारगेट। तो मुझे लगता है कि 1260 आने तक आपको इस स्टॉक को पकड़ के रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं दोस्तों तो ज़रूर से अपने स्टॉक का नाम बताइए, हमारी टीम जैसे ही आपके स्टॉक को पिक कर लेगी उस पर एनालाइज करने के बाद कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द आपके सामने लेवल और टारगेट शेयर कर दिए जाएँ। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स हम डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।